और भाई और बहनों, इस वीडियो में आप सीखोगे कि हम सोनी के लैपटॉप में विंडोज़ कैसे डालते हैं। सबसे पहले तो हमने बूटेबल पेन ड्राइव लेनी है या सीडी है, डीवीडी है, उसको पहले हमने यहाँ लगाना है या अपने लैपटॉप में लगा दें या इधर लगा दिया। इसको इधर लगा दिया, ये देखा आपने, ये लगा दिया। इसके बाद हमने लैपटॉप ऑन करना है, फिर F1 F2 की दबानी है, F1 F2 की प्रेस करना है। ये आप सीख रहे हैं कि हम बायो के लैपटॉप में कैसे विंडो डालते हैं पेन ड्राइव से। सीडी से होगा तो आपको मैं बताता हूँ क्या करना है। अब आपको जाना है बूट ऑप्शन पर, तो अभी आपको जाना है बूट पर और उसके बाद आपको फर्स्ट बूट डिवाइस करना है, एक्सटर्नल डिवाइस अगर आपने पेन ड्राइव से करना है, और अगर आपने डीवीडी से करना है तो फर्स्ट करना है अपने ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, ये सीडी रूम आपका, तो आपको इंटर मारना है और फर्स्ट ऑप्टिकल करना है। ये तो हम कर रहे हैं डीवीडी से, और अगर हमने पेन ड्राइव से करना है तो फर्स्ट करना है हमने एक्सटर्नल डिवाइस, इसके बाद सेकंड करना है हमें हार्ड डिस्क इंटरनल, और फिर मारना है हमें इंटर, यस। और उसके बाद अपने देखना है कि आपका लैपटॉप बूट हो रहा है। अब ये आपके विंडो सेटअप EMS, अब आपने इंटर मारना है, अब क्या करना है आपने, इसमें आ रहा है लैंग्वेज आपने इंग्लिश सेलेक्ट करनी है, टाइम करेंसी इंडियन यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, US ऑन, आपने इसके बाद करना है नेक्स्ट। ये जो नीचे आ रहा है, अरब ये नहीं करना आपने, इंग्लिश करनी है, इंग्लिश अपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, पहले कीबोर्ड हमने इंग्लिश किया था, इंग्लिश लैटिन, इसको इंग्लिश चूज करना है आपको, CE फिनिश फ्रेंच, कीबोर्ड आप जो कुछ भी चूज कर सकते हैं, जो लैंग्वेज आपको आती है, उसके लिए ये नहीं है कि कौन सी आपका, हिंदी भी आ रही है इसमें, तो हिंदी हिंदुस्तान की है, गुजराती भी है, US, मैं करता हूँ US, यूनाइटेड स्टेट, US, कीबोर्ड US, ठीक है। इसके बाद हमने नेक्स्ट कर दिया, अब हमने इंस्टॉल नो। तो आज आप सीख रहे हैं कि हम बायो के लैपटॉप में विंडो कैसे डालते हैं, कैसे बायोस में जाते हैं और कैसे हम पेन ड्राइव से करते हैं। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं और पूरा ध्यान से देखेंगे कि कैसे हम विंडो इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम अपना डाटा सेव करते हैं। तो आपने देखा कि अभी आ गया, अब हम इसके अंदर विंडो डालेंगे 64 बिट, अल्टीमेट 64 बिट, नेक्स्ट, नीचे नेक्स्ट, इसको नेक्स्ट कर दिया हमने। इसके बाद हमने आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, और फिर हमने क्या करना है, कस्टम इंस्टॉल, अपग्रेड नहीं करना है, कस्टम। अब इसमें दो पार्टीशन बता रहा है, तो एक 200 GB है और एक है 100 GB, तो इसको मैंने पहला जो है ये सी ड्राइव है और ये डी ड्राइव, तो हमने पहले को फॉर्मेट मारना है, हमने सी को सिलेक्ट किया, इसको फॉर्मेट कर दिया, ओके। अब इसके अंदर है हमारा डाटा, अगर डाटा नहीं है फ्रेश तो आप पूरे को फॉर्मेट मार सकते हो, अगर डाटा है तो इसको नहीं, अपने कुछ भी करना नहीं है। और फिर हमने इसी को सिलेक्ट किया पहले को, फिर नेक्स्ट कर दिया। तो अभी आपने देखा कि हमने कैसे फॉर्मेट किया है और कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप इसको इंस्टॉल किया है। अभी आपने 10 मिनट वेट करना है।
पूरा कंप्लीट हो जाता है फिर मस्को। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि 94% कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद मैं एक बात बताना भूल गया था, जब हम बायस में गए थे तो हम गए थे F1 और F2 की से। तो अब जैसे रिस्टार्ट होगा ये, तो हमें F1 F2 की फिर से प्रेस करने है, नहीं तो ये हमारी पेन ड्राइव से बूट हो जाएगा। अब ध्यान रखने वाली बात यह कि अब हम जैसे हमने जहाँ पर एक्सटर्नल डिवाइस किया था, अब हम उसको हार्ड डिस्क कर देंगे और नेक्स्ट दूसरे को कर देंगे एक्सटर्नल डिवाइस, तो जिससे हमारी विंडोज़ कंटिन्यू इंस्टॉल होती रहेगी। अब हमने कोई बटन नहीं दबाना है, सिर्फ रिस्टार्ट होने के बाद F1 F2 की प्रेस कंटिन्यू दबाना है। तो अब ये 99% हो गया, तो अब ये रिस्टार्ट होगा। ध्यान से देखेंगे, अब ये लैपटॉप रिस्टार्ट होगा। तो आपने रिस्टार्ट होते इंटर मारना है, फिर उसके बाद F1 F2 की कंटिन्यू दबानी है। ये बायो का लैपटॉप है, आपके इंटर मार दिया, रिस्टार्ट हो गया। अब आपने ये जो की F1 F2 ये आपने स्टार्टिंग में भी दबाई थी जब आप बायोस में गए थे। इससे हम बायोस में जाते हैं, ऐसे जो ऑप्शन आता है वो F1 F2 की से आता है। अब आपने बूट पर जाना है, इसके बाद बूट पर जाने के बाद आप नीचे आ जाओ, तो एक्सटर्नल डिवाइस को हमने हार्ड डिस्क करना है और सेकंड जो है एक्सटर्नल डिवाइस, ये ठीक है। इससे क्या होता है कि अब हमारी जो हार्ड डिस्क है वो पेन ड्राइव से बूट नहीं होगी, वो हार्ड डिस्क से बूट होगी, क्योंकि ये डायरेक्ट बूट नहीं होगी। अब जैसे हमने F10 दबा दिया, इसके बाद आपको कुछ भी दबाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और आपकी विंडोज़ जो आराम से इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे ही आ रहा है विंडोज़ इंस्टॉल, तो अगर वो आ रहा था विंडो 64 बिट, तो इसका अर्थ है कि वो आपकी पेन ड्राइव से बूट हो रहा है। अभी आ रहा है तो इसका अर्थ है कि आपकी जो है हार्ड डिस्क से बूट हो गया। अब आपने ये 4-5 मिनट सेटिंग करेगा, फिर रिस्टार्ट होगा। उसके बाद फिर आपको इसमें नाम डालना है, पासवर्ड डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। तो इसमें उसके बाद आपने डेट और टाइम सेट करना है, कंट्री सेलेक्ट करनी है। तो जैसे सेटअप स्टार्टिंग सर्विस, तो ये कह रहा है कि सेटअप अभी स्टार्ट हो गया है, थोड़ा वेट करना है, ये कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद फिर ये रिस्टार्ट होगा, उसके बाद सिर्फ एक बार हम फर्स्ट बूट जो है पेन ड्राइव करते हैं, दूसरी बार हम उसको हार्ड डिस्क कर देते हैं। हमें सिर्फ विंडो डालने में ये करना होता है, अगर आप पेन ड्राइव से डाल रहे हैं, अगर सीडी से डाल रहे हैं सीडी में करने की जरूरत नहीं, सीडी बूट होकर ऑटोमेटिक हार्ड डिस्क पर ले लेती है। ये सिर्फ पेन ड्राइव में ऑप्शन करना पड़ता है। तो आज आप सीख रहे हैं कि हम बायो के लैपटॉप में विंडोज 7 कैसे इंस्टॉल करते हैं, विंडोज 10 कैसे इंस्टॉल करते हैं, 8 कैसे इंस्टॉल करते हैं। सभी के लिए सेम प्रोसीजर होता है, कोई अलग नहीं होता, सिर्फ सीडी अलग होगी, डीवीडी अलग होगी, पेन ड्राइव अलग होगी और सभी के सेटअप सेम होते हैं। सेम हम ड्राइव अगर हमारा सिस्टम हमने पूरा फॉर्मेट मान तो सभी को फॉर्मेट कर सकते हो, अगर आपने इसे डाटा बचाना है सिर्फ सी को फॉर्मेट कर सकते हो। सीख जो होता है 1 होता है, सेकंड होता है डी। आपने देखा कि अब ये रिस्टार्ट हो रहा है, इसके बाद आपको कुछ भी दबाने की ज़रूरत नहीं है, कोई की प्रेस नहीं करनी, कहीं आपने F1 F2 नहीं प्रेस करना है, सिर्फ इसको चलने दो जैसे ये चल रहा है। अभी फिर से स्टार्ट हुआ है, हमने कुछ किया नहीं है, ये ऑटोमेटिक विंडोज इसकी सेटअप लेगा। तो ऐसे ये इंस्टॉल होती है। तो आपने यूज़र नेम डालना है,
सेटअप इज़ प्रिपेयरिंग योर कंप्यूटर फॉर फर्स्ट यूज़। कह रहा है कि आपका कंप्यूटर फर्स्ट टाइम यूज़र है तो कैसे स्टार्ट होगा। तो अब आप क्या आपका यूज़र नेम डालने के लिए, तो अपने यूज़र नेम ए बी सी डाल दो, अपना नाम डाल दो, कुछ भी डाल सकते हो। इसके बाद हमने नेक्स्ट करना है, नीचे से इंटर मार के अभी आ गया। और यहाँ पर आप पासवर्ड भी डाल सकते हो, पासवर्ड डालने में ऐसी ज़रूरत नहीं होती, हम सीधा नेक्स्ट करेंगे। इधर से नेक्स्ट कर दिया, फिर हमने इसके पर टिक करना है आस्क मी लेटर, विंडो पर लेटर है तो इसको हम आस्क मी लेटर पर टिक करेंगे। फिर हम इसको डेट और टाइम सेट करेंगे, हम इंडिया में रहते हैं तो न्यू दिल्ली इंडिया का टाइम ये है। अभी टाइम क्या हो रहा है, 11:40 हो रहा है, तो हमने नेक्स्ट करना है। और इसके बाद ये वाईफाई बता रहा है किसके क्या है, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं, यहाँ से बाद में कनेक्ट करेंगे। तो ऐसे हम वायो के लैपटॉप में विंडो इंस्टॉल करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।